नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ अंशिका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पठान फिल्म एक ब्लॉकबस्टर स्टार्ट के साथ रिलीज हो चुकी है। बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण स्टारर और साथ ही निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म पठान रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। इस फिल्म ने रिलीज के बाद उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिल्म को हिंदी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है, जिसके बाद सुपरस्टार शाहरुख खान की ये फिल्म थिएटर्स पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही बम्पर कमाई करते हुए 55 करोड़ रुपए हिंदी बेल से हासिल किए थे, जबकि 2 करोड़ रुपए साउथ से बटोरते हुए कुल 57 करोड़ रुपए कमा डाले, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई ने तेज छलांग मारी है। दूसरे दिन कमाई के सामने आए आंकड़े भी बेहद शानदार हैं। बता दें कि बॉक्स ऑफिस इंडिया की ताजा रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान ने दूसरे दिन भी बेहद शानदार कमाई हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से नेट 70 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसमें से 68 करोड़ रुपए हिंदी बॉक्स ऑफिस से हुई कमाई है, जबकि साउदर्न बेल से फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए कुल 70 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल किया है। इसके साथ ही फिल्म की 2 दिन की कुल कमाई 123 करोड़ रुपए, यस 123 करोड़ रुपीस का नंबर पार कर गई है। इतना ही नहीं, वीकेंड से पहले ही इस फिल्म ने कई फिल्मों के टॉप फर्स्ट वीकेंड के आंकड़े भी तोड़ दिए हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी शाहरुख खान की फिल्म पठान बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जिसकी वजह से महज 2 दिन के अंदर ही सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड स्तर पर 235 करोड़ रुपीस की बम्पर कमाई कर डाली है। इस फिल्म को दुनिया भर में कुल 8,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म की स्क्रीन्स में रिलीज के बाद दर्शकों से मिले जबरदस्त क्रेज की वजह से और भी बढ़ोतरी की गई थी। पहले फिल्म को 7,700 स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया गया था, जिसके बाद पहले दिन ही मेकर्स को 300 स्क्रीन्स और बढ़ानी पड़ गई थी। रिपोर्टर्स की माने तो किसी फिल्म को लेकर ऐसा क्रेज पहली बार ही देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि शाहरुख खान की भी किसी फिल्म को इससे पहले ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इस बात में कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे इस फिल्म को थिएटर में दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये फिल्म और सिर्फ कमाई में ही बढ़ोतरी कर रही है। इस फिल्म ने अपने ऐसे बेंचमार्क सेट कर दिए हैं जिसे किसी और फिल्म को ब्रेक करना नामुमकिन नजर आ रहा है। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यश राज फिल्म्स की पठान एक ऐतिहासिक हिट के रूप में उभरी है, क्योंकि इसने एक और शतक पूरा किया और दूसरे दिन 113.6 करोड़ की कमाई दर्ज की, जिससे दुनिया भर में कुल संग्रह 219.6 करोड़ हो गया है। दूसरे दिन पठान ने हिंदी प्रारूप में 68 करोड़ नेट एकत्र किए, जबकि डब किए गए प्रारूपों ने 2.5 करोड़ नेट कमाए। दूसरे दिन भारत का कुल संग्रह 70.50 करोड़ नेट और साथ ही 82.94 करोड़ सकल था। इस प्रकार ये फिल्म एक ही दिन में 70 करोड़ की नेट कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। इस बीच विदेशी संग्रह भी अविश्वसनीय था, क्योंकि इसने 30.70 करोड़ की टोटल कमाई की। पठान ने अपने दूसरे दिन अपना ही रचा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जब इसने पहले ही दिन अपने बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बता दे कि हिंदी प्ररूप में 55 करोड़ प्लस डब प्ररूपों में 2 करोड़ पहले दिन की कुल 57 करोड़ नेट की राशि इस फिल्म ने कमाई थी। अब ये देखना वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म अपने ही फर्स्ट और सेकंड डे के बनाए रिकॉर्ड्स को तोड़ पाती है या फिर नहीं। आप भी इस टॉपिक पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।